मित्रों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपने अपने YouTube चैनल पे, जिसका नाम है उत्कर्ष भजन गोविंद सर में। बच्चों आज विज्ञान आधारित एक धमाकेदार डिस्कशन में आपके लिए लेके आया हूँ। आप लोग व्यवस्था से जुड़ेंगे, आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो है उत्कर्ष और भजन की टीम में मैंने विभाजन कर रखा है। एक टीम इधर बैठी है, दूसरी टीम इधर बैठी है। रूल की बात करें, मैं रूल को फिर से रिपीट कर देता हूं, क्योंकि आप लोग नए हैं तो व्यवस्था को समझ पाएंगे। मैं पहला क्वेश्चन आपकी टीम से पूछूंगा, यदि आंसर आ गया तो एक नंबर मिलेगा, और नहीं दिया तो ये क्वेश्चन इस टीम में ट्रांसफर होगा। अगर आंसर दे दिया तो एक नंबर मिलेगा, नहीं दिया तो जीरो मिलेगा। फाइनल आंसर मैं बताऊंगा। तो बहुत मन से जुड़ेंगे, मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन आपने पूछने वाला हूं, वो साइंस आधारित क्वेश्चन होंगे, माने विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। और हाँ, एक अपील करूंगा, यदि आप चैनल पर पहली बार है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलेगा, जरूर करिएगा। ओके, एक निवेदन था आपसे। जरा बताइए, पहला क्वेश्चन, MIC का पूरा नाम? वेरी गुड प्यारे से बच्चों, मैंने सवाल पूछा है MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड का संबंध किस घटना से है? वेरी गुड आंसर आया है, भोपाल गैस कांड से बच्चों संबंधित है। MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड की मैं बात कर रहा हूं। 1984 में 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में यह कांड हुआ था, और कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड, और ये उर्वरक बनाने वाली कंपनी थी, और इसमें ये जब रिसाव हुआ था तो वहां कई सारे लोग मरे थे। बच्चों ध्यान रखिएगा, वारेन एंडरसन इस कंपनी का मालिक था। ये बहुत ही दुखद घटना भारत में हुई थी, इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे। नंबर किसका है तो जरा बताइए, मुझे बताइए, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के रूप में जानते हैं। इंपॉर्टेंट जानकारी है, तो जरा मुझे बताइए कि बच्चों जब हम सांस लेते हैं, तो कौन सी गैस सबसे ज्यादा फेफड़ों में जाती है? वेरी गुड, नाइट्रोजन जाती है। बच्चों ध्यान रखिएगा, अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं, इस बात को लेकर के कि जो है वो जो है ऑक्सीजन को लगा देते हैं, और हमें पता होना चाहिए कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस का परसेंट जो कौन सा है, नाइट्रोजन है, तो हम नाइट्रोजन को इनहेल करते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो नाइट्रोजन गैस का है। बहुत अच्छे। जल की शुद्धि में किसका प्रयोग करते हैं? वेरी गुड, जल की शुद्धि में बच्चों क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी। तो मुझे बताइए, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ है? राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नई दिल्ली में राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला है। तो मेरा आपसे बच्चों सवाल है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? पुणे। बहुत अच्छी जानकारी आई, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र में है। बच्चों आलस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इतना मन से आपको तैयारी करनी है, जब तक ज्वाइनिंग लेटर हाथ में ना जाए तब तक आपको अमन चैन नहीं होना चाहिए, बहुत मेहनत करनी है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं कि पुणे महाराष्ट्र में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बात पुणे की कर रहे हैं, एक क्रॉस क्वेश्चन कर देता हूं, पुणे किस नदी के किनारे? क्या बात है, बहुत अच्छे प्यारे, पुणे जो है ना मूठा नदी के किनारे है। आई रिपीट, मूठा नदी के किनारे है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, VIROLOGY भाई, वायरोलॉजी। बताइए, लखनऊ। बताइए कहाँ पे? आंसर आया पुणे महाराष्ट्र में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। पीएच मान क्या प्रदर्शित करता है? पीएच मान अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। पीएच मान का पूरा, पीएच जो शब्द है उसका पूरा नाम? पोटेंशियल हाइड्रोजन। पीएच का पूरा नाम जानना चाहेंगे, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, दोनों ही वर्ड आते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन। बहुत अच्छे। फल शर्करा का नाम क्या है? फ्रक्टोज। फल शर्करा का नाम है फ्रक्टोज कहते हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगली बात मुझे बताइए, मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि समुद्र की धाराएं किसका उदाहरण है? समुद्र में जो धाराएं आती है वो किसका उदाहरण है? संवहन का उदाहरण है, संवहन विधि का उदाहरण है, क्योंकि इस प्रकार से उनकी जो वेव्स होती हैं वो चलती हैं। बहुत अच्छे जानकारी मुझे बताइए,
सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? लाल रंग की सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? लाल रंग की होती है। सबसे कम? बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। आपका आंसर गलत है, सोच समझ के बच्चों आंसर दीजिए, आंसर गलत नहीं करना है। चलिए अगली बात मुझे बताइए, एक ऐसा स्तनी बताइए जो अंडे देता है। क्या बात है, जबरदस्त तैयारी विजन की टीम करके आई है। एकेडना जो है वह स्तनधारी में है लेकिन अंडे देता है। इंपॉर्टेंट जानकारी। नंबर किसका है? आपका नंबर है, तो जरा बताइए। अक्सर हम लोग पढ़ते रहते हैं सीटी स्कैन, सीटी का पूरा नाम क्या है? क्या बात है, आंसर आ चुका है बच्चों, सीटी का मतलब कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी की हम बात कर रहे हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी की। साथ साथ नोट करते जाएंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्वेश्चन को समझना है। क्लियर बात? सवाल है मानव पथरी में क्या पाया जाता है? मानव पथरी में कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, इस कारण से दिक्कत होती है। कैल्शियम ऑक्सलेट प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? कैल्शियम ऑक्सलेट प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? धमाकेदार क्वेश्चन। चुकंदर में सर। क्या बात है, आंसर आ चुका है, सलजम में कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नमक का फार्मूला क्या है? NaCl को नमक का फार्मूला, माने जो सूत्र है, रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl, केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान का है? केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात में है। भावनगर गुजरात में है, सही जा रहे हैं आप लोग। तो जरा मुझे बताइए RNA का पूरा नाम? क्या बात है, RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। DNA का द्विगुणित मॉडल किसने तैयार किया? DNA का द्विगुणित मॉडल वाटसन तथा क्रिक ने तैयार किया। वाटसन लिख सकते हैं, वाटसन तथा क्रिक ने तैयार किया। अगला बात, अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो जरा मुझे बताइए, अल्फ्रेड नोबल की याद में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात करें बच्चों, मैं शिफ्टिंग कर रहा हूं क्वेश्चन की, सबसे अंत में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस विषय में दिए जाने प्रारंभ हुए? अर्थशास्त्र में। राइट आंसर आ चुका है बच्चों, नोबेल अवार्ड 5 क्षेत्र में दिए जाते थे, लेकिन छठवां क्षेत्र जो जोड़ा गया है वो अर्थशास्त्र जोड़ा गया है। कब? 1969। वेरी गुड आंसर आया है, 1969 में नोबेल अवार्ड अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाना प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है, इसको याद रखेंगे। नंबर किसका है? आपका नंबर है, तो जरा बताइए, पेनिसिलिन जो है वो कहां से तैयार किया जाता है? आंसर आ चुका है, पेनिसिलिन जो है वो एक जो है उसको हम कवक के द्वारा मिलता है, और उसका नाम है पेनिसिलिन नोटेटम, के द्वारा उस कवक से इसकी प्राप्ति होती है। बहुत अच्छी तैयारी। जरा मुझे बताइए, विश्व हृदय दिवस कब होता है? 29 सितंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस होता है। बहुत बढ़िया। तो अगला सवाल, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। 2019 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? यूएनओ के द्वारा आवर्त सारणी वर्ष के रूप में 2019 को घोषित किया गया है। बहुत अच्छा आंसर दिया है। अगली बात मुझे बता दिए, एक क्वेश्चन थोड़ा सा हटके पूछ लेता हूं कि इस बार 2019 में किस नंबर के लोकसभा के आम चुनाव हो रहे हैं? 70। विजन की टीम की स्लिप ऑफ टंग है, जवान फसलने वाली बात है, उनको 17 बोलना था लेकिन 70 बोल दिया। राइट आंसर
उत्कर्ष की टीम ने दिया है 70 माइनस 17 की बात कर रहे हैं, 17वें नंबर का चुनाव लोकसभा में इस बार होना है। ठीक है, नंबर किसका है? आपका नंबर है। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं। कंप्यूटर की माइक्रोचिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। कंप्यूटर में जो माइक्रोचिप होती है सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन की जगह और किसकी बनी हो सकती है? सिलिकॉन की जगह और किसकी बनी हो सकती है? जर्मेनियम की। सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम की, सिलिकॉन जर्मेनियम की माइक्रोचिप बनी हो सकती है, उसका विकल्प है ये। अगली बात, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? बैंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्योंकि कंप्यूटर आधारित वर्क बैंगलोर में ज्यादा होता है। सॉफ्टवेयर आधारित सिलिकॉन वैली पूरे विश्व में, कहां है? कैलिफोर्निया। बच्चों कैलिफोर्निया अमेरिका में जो एक राज्य है वहां पे उसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये वर्क वहां ज्यादा होता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। सॉफ्टवेयर आधारित, बहुत अच्छी तैयारी, जबरदस्त तैयारी। नंबर किसका है? तो जरा बताइए ISRO इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी भारत में कहां है? इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी भारत में कहां है? गलत आंसर है, बेंगलोर। आंसर गलत है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं। इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, जो बच्चे जुड़े हुए हैं यूट्यूब के माध्यम से, मैं MCF की बात कर रहा हूं। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी को हम कहते हैं मुख्य नियंत्रण सुविधा। और प्यारे से बच्चों हासन कर्नाटक में इसका मुख्यालय है, हासन कर्नाटक में मुख्यालय है। आप लोग तैयार हैं? बहुत अच्छी तैयारी। तो जरा बताइए नंबर किसका है? आपका नंबर है। मानव शरीर में ऐसा क्या है जो रक्त का थक्का नहीं जमने देता? हेपेरिन। मानव शरीर में हेपेरिन नामक प्रोटीन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगली बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, रुधिर स्कंदन का विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन के को रुधिर स्कंदन का विटामिन कहते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा, रुधिर स्कंदन का विटामिन। तो सवाल अगला मैं आपसे कुछ पूछ लूं, कुछ बढ़िया सा। नंबर किसका है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम? फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर है, जो कहां पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। बहुत अच्छी तैयारी। इस बार लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, जब जब चुनाव होते हैं तो उंगली पे जो कर्मचारी होते हैं वो स्याही लगाते हैं। वो स्याही, जरा बताइए वो स्याही किस केमिकल की बनी होती है? आंसर आ चुका है, सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा वो जो स्याही है वो बनी होती है। ध्यान रखिएगा, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, वेरी गुड। कृत्रिम वर्षा के रूप में किसका प्रयोग? कृत्रिम वर्षा के रूप में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है। बहुत अच्छी जानकारी आप लोग दे रहे हैं। अगली बात मैं आपसे पूछ लो, तो जरा मुझे बताइए कि भारत में पर्यावरणीय अनुसंधान की दिशा में काम करने वाले संगठन का नाम? पर्यावरणीय नियंत्रण या अनुसंधान करने वाले संगठन का नाम? आंसर आ चुका है बच्चों, नीरी। मैं पहले भी एक दो वीडियो में इस बात की जानकारी दे चुका हूं, आप लोग आंसर दे रहे होंगे। NERI नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, 1958 में बना, मुख्यालय नागपुर में है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। नंबर किसका है? नंबर आपका है। तो सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं, जापानी एंसेफलाइटिस का कारण क्या है? जापानी एंसेफलाइटिस का कारण, ठीक है, सुअर से फैलता है। सुअर बर्स चर्चा में क्यों है? फरवरी 2019 में चाइना ने जो बर्स मनाने घोषणा करी है वो सुअर आधारित है, PIG सुअर आधारित है। बहुत अच्छे जानकारी दे रहे हैं। लेंस की क्षमता कैसे नापेंगे? वेरी गुड। लेंस की क्षमता जो है वो डायोप्टर के द्वारा नापेंगे। बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो जरा बताइए, भारत में डीजल इंजन कहां बनाए जाते हैं? चितरंजन। वाराणसी।
वाराणसी के मडुआ डीह में, वाराणसी के मडुआ डीह में इसका प्रयोग ये बनाए जाते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम, आंसर आ चुका है न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका की बात करें, बिल्कुल सही है। बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट को ध्यान में रखेंगे, नंबर किसका है? विश्व में सबसे ज्यादा तांबा कहां पाया जाता है? विश्व में सबसे ज्यादा तांबा चिली में पाया जाता है, इसलिए चिली के स्थान चुकई कमाटा को क्या कहते हैं? विश्व की तांबा राजधानी कहते हैं, ठीक है ना। कॉपर कैपिटल इन द वर्ल्ड। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कॉपर की बात कर रहे हैं बच्चों, सुचालक कॉपर। मध्य प्रदेश के मलाज खंड में, मध्य प्रदेश के मलाज खंड में तांबा प्रचुर मात्रा में होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जरा बताइए नंबर किसका है? हमारे शरीर को ऊर्जा कौन सा पोषक तत्व देता है? हमारे शरीर को ऊर्जा कौन सा पोषक तत्व देता है? राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट देता है। बहुत बढ़िया, अगली बात मुझे बताइए, हृदय का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में? कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन होता है। 21 जून कौन सा दिवस होता है? इक्कीस जून को विश्व योगा दिवस होता है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। माय क्वेश्चन इज दैट 21 जून 2019 को किस नंबर का योग दिवस मनेगा? आंसर आया पांचवें नंबर का विश्व योग दिवस 2019 में मनेगा। धमाकेदार तैयारी बच्चों, आप इसको याद करेंगे। तो प्यारे से बच्चों, वीडियो बनाने की भी अपनी फाउंडेशन होती है कि ज्यादा लंबा ना हो पाए, तो मैं व्यवस्था को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इसके लिए बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं काउंटिंग कर रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. छब्बीस नंबर उत्कर्ष की टीम के हैं, 27 नंबर विजन की टीम के हैं। बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, लेकिन जीत हार तो बच्चों एक दो नंबर से हो सकती है। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, आप लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है। और मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पे नए हैं तो बच्चों सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्रों को इस बात को शेयर करिएगा, जिससे आने वाला जो एग्जाम है रेलवे का वो हर हाल में हिट होना चाहिए। ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। और आप बहुत अच्छी तैयारी करेंगे तो मैं डिस्कशन को यहीं पे बंद करता हूं। थैंक यू, जय हिंद।